हेलो फ्रेंड्स, नव भारतीय स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 6 के पहले पार्ट का नोइंग योर नंबर्स का पार्ट 2 आपके सामने लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। पहले पार्ट के अंदर हमने नंबर्स के बारे में बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की थी। आज के हम इस पार्ट के अंतर्गत नंबर्स किस प्रकार से नंबर्स को रोमन में बदलते हैं और रोमन नंबर्स को किस प्रकार से हम अपने हिंदू न्यूमेरिक सिस्टम के अंदर बदलते हैं, इसको भी हम सीखेंगे। और उसके पहले हम नंबर्स को राउंड ऑफ करना, उनका एस्टिमेशन लिखना, ये हम सीखने वाले हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का चैप्टर क्लास 6 नोइंग योर नंबर्स का पार्ट 2। एस्टिमेशन, मान लीजिए एक न्यूज है, इंडिया ड्रू विद पाकिस्तान इन ए हॉकी मैच वास्ट बाय अप्रोक्सीमेटली 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम एंड 40 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड। राइट, ध्यान देना है आपके, वहां जो उस हॉकी मैच को देखने के लिए उस स्टेडियम के अंदर स्पेक्टेटर्स थे, जो दर्शक थे, वो क्या बिल्कुल 51,000 थे? 51,001 या 50,999 भी नहीं थे, एग्जैक्ट 51,000 थे क्या? पॉसिबल नहीं। लेकिन जब हम एस्टिमेशन बताते हैं, लगभग बताते हैं, तो हम ऐसा ही कहते हैं, उसको राउंड ऑफ करके बात करते हैं। उसमें कोई 1, 2, 5, 10, 15, 20 ऊपर नीचे होते हैं, उसको विशेष ध्यान देते नहीं है। यहां दूसरा लिखा है कि स्टेडियम में 40 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स थे, तो यहां भी उन्होंने 40 मिलियन लिखा है, इसको भी बिल्कुल एग्जैक्ट करके बोलते नहीं है। आप भी जानते हैं, जब मैं आपसे यदि प्रश्न करता हूं कि किस भी चीज के बारे में, कि आप यदि वहां गए थे उस मीटिंग के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर कितने लोग थे, तो आप भी बोलेंगे लगभग 100 लोग थे। या आपसे बोला जाए कि शादी में आप गए थे, तो शादी में कितने लोग होंगे, कितने लोग आए होंगे उस फंक्शन के अंदर शादी के, तो आप यही बोलते हैं कि वहां पर 400 लोग आए होंगे या इस प्रकार से। तो आप एकदम ऐसे नहीं बोलते कि 370-375 आए होंगे ऐसा, क्योंकि पता भी नहीं होता। और यदि पता भी हो तो भी आदमी जानबूझ के या मतलब इस तरह से बोलता नहीं। कुछ दो एग्जांपल और पढ़ लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2,000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 50,000 इंजर्ड इन ए साइक्लोन स्टॉर्म इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ओवर 13 मिलियन passengers are carried over 63,000 kilometers route by railway track every day. तो ये बिल्कुल लगभग वाली बात आती है, लगभग estimation, ठीक है? तो इसको हमें और कैसे करते हैं, क्या ये 63,000 बोल रहे हैं, तो ये 64,000 और 63,000 के बीच हो सकता है, या फिर ये 63,000 और 62,000 के बीच भी हो सकता है। लेकिन 62,000 और 64,000 के बीच का ही आंकड़ा है, 63,000 के नजदीक है, इसलिए 63,000 लिखा गया है। ये 62,500 से ज्यादा होगा और 63,500 से कम होगा। चलिए इसको और अच्छे से हम समझते हैं। Nearest टेंस by rounding off, हम सबसे पहले एस्टिमेटिंग निकालना सीखते हैं। Nearest टेन by rounding, निकटतम 10 अंकों तक। अब ध्यान दीजिए, यहां कुछ अंक लिखे हुए हैं टाइम लाइन के ऊपर, 259, 260, 261 है, इस प्रकार से। निकटतम 10 मतलब यानी 260 के निकट होगा या 270 के निकट होगा, उन नंबर्स को हम ढूंढते हैं। तो जो 260 के नजदीक है वो नंबर्स ढूंढते हैं। यहां लिखा फाइंड विच फ्लैग्स आर क्लोजर टू 260। तो 260 के नजदीक जो फ्लैग लगे हुए हैं नंबर्स, वो कौन से हैं? तो इससे नजदीक ये है 261, नजदीक है ना इसके 260 के। 263, 270 के नजदीक है, 260 के नजदीक है, 260 के नजदीक है 263। और इसके फ्लैग लगा 267, 270 के नजदीक है, 260 के नजदीक है, 270 के नजदीक है, तो इसको यहां लिखते हैं।
267 और 269 ऑब्वियसली 270 के नजदीक है। तो जब हम इन नंबर्स का टेंस में राउंड ऑफ करते हैं तो फिर इसे हम 260 लिखेंगे और इसको हम टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो 270 लिखेंगे। चलिए आगे और देखते हैं, राउंड दीस नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। अब ध्यान देना, जब नियरेस्ट टेंस में करते हैं तो नजदीक किसके हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, 28 कहां आता है, 28 पड़ता है 20 और 30 के बीच में। तो इसे राउंड ऑफ में 20 लिखना है या 30 लिखना है, ठीक है। अब 30 लिखना है और 28 किससे ज्यादा नजदीक है, 28 के ज्यादा नजदीक है, ज्यादा नजदीक 30 के है, तो ऑब्वियसली 30 के ज्यादा नजदीक है, तो 28 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद में आप 30 लिख सकते हैं, राइट। 32 कहां आता है, 32 आपके आता है 32 मोर देन है 30 से और लेस देन है 40 से, तो 32 को आप 30 लिखें या 40 लिखें, लेकिन ये नजदीक ज्यादा किसके, 30 ज्यादा नजदीक है, तो 32 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 30 आएगा। ऐसे 50 और 60 के बीच में पड़ता है। पहले तो देखना है आपको, सबसे फर्स्ट काम करना है कि वो नंबर जिसको राउंड ऑफ करना है वो किसके और किसके बीच पड़ना है, किन दो नंबरों में से उसको राउंड ऑफ करना है, फिर ज्यादा नजदीक जिसके वो आपको आपका आंसर होगा। ये 50 के ज्यादा नजदीक है, ये 40 के ज्यादा नजदीक है, ये भी 40 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि इसको देखेंगे आप 39 30 के से बड़ा है और 40 से छोटा है, इनके बीच में आता है, 40 और 30 के बीच आता है, इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है तो इसे नजदीक किसके 40 के, तो 40 आएगा, ये नजदीक किसके 50 के, राइट। ये नजदीक इसी पर आप 3 डिजिट के नंबर देख लेते हैं हम कुछ, 215। अब देखिए 5 यहां पर है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 नंबर मानिए। तो ये 15 नंबर है, ये 10 के ज्यादा नजदीक है या 20 के ज्यादा नजदीक है, तो यहां क्या करते हैं, इस 15 को हमेशा ही जो बिल्कुल सेंटर का नंबर होता है 15, इसके आगे 5 होता है, इसे आगे वाले के पास ले जाते हैं, इसे आगे वाले के पास ले जाते हैं और इसको हम 20 मानते हैं, राइट। ध्यान देना, तो 215 था, 215 किसके बीच में आता है, ये 210 और 220, राउंड ऑफ 10 में करना, टेंस में करना, तो 10-10 का ही आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो इसको आगे वाले के लेंगे, इसको हमेशा आगे वाले के, तो 220। तो ध्यान दिया हमने, टेंस में जब करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 नंबर होंगे लास्ट डिजिट, यदि लास्ट डिजिट आपका, ध्यान देना है यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है, लास्ट डिजिट ये हो तो इसे बदल दो जीरो में, इसे जीरो कर दो, राइट। और यदि लास्ट डिजिट यदि आपका 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो तो लास्ट डिजिट को तो जीरो कर दो, लास्ट डिजिट को तो जीरो कर दो, और उसके पहले वाले डिजिट को सेकेंड लास्ट डिजिट को उसे जस्ट पहले वाले को एक बढ़ा दो, ठीक है। देखो मैंने देखा ये 28 है, लास्ट में क्या था, 8 उसमें आता है 8, तो लास्ट में जीरो कर दिया आपने, जीरो कर दिया, और इस लास्ट के पहले वाले को 2 को 1 बढ़ा दिया, 3 कर दिया, यहां 2 आता है, 2 किसमें, इसमें है, तो लास्ट डिजिट को जीरो कर दो, तो इसको आपने जीरो कर दिया, लाइक राइट। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, 99 ये रहा, लास्ट डिजिट को तो जीरो करना है, जीरो कर दिया, उसके पहले वाले को सेकंड लास्ट 9 को 1 बढ़ा दो, 9 को बढ़ाया तो 10 हो गया, राइट। तो इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट
नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ हंड्रेड। अभी तक टेंस का देखा था, टेन के बीच में देखा था, हंड्रेड्स के बीच में देखते हैं। 410 ये 400 के नियरेस्ट है, 500 के नियरेस्ट है, 410। अब इसको 100 से लेना है, ये 400 से तो बड़ा है और 500 से छोटा है, इनके बीच में आता है। 410 ज्यादा नजदीक किसके हैं? 400 के ज्यादा नजदीक है, यस। तो ये क्या हो जाएगा, 400 लिखा जाएगा, ये नियरेस्ट, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा आपका 400, ठीक है, क्योंकि ये 400 के ज्यादा क्लोजर है, इट इज राउंडिंग ऑफ टू 400। चलिए अब इसको देखते हैं, ये इसके और इसके बीच में आता है 889, 889 और 900 के बीच में आता है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये ज्यादा नजदीक किसके है, 900 के ज्यादा नजदीक है, 889 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 900 से, ठीक है। ये कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये इसके एक रूल्स देख लेते हैं हम, एक जनरल रूल देख लेते हैं। जब आपको हंड्रेड्स में राउंडिंग ऑफ करना हो, नियरेस्ट हंड्रेड्स में करना हो, है ना, ये ध्यान देना, हंड्रेड्स में करना हो तो क्या देखना है, लास्ट टू डिजिट, बल्कि मैं क्या होता हूं, सेकेंड लास्ट डिजिट। देखो इसको देखना है, सेकेंड लास्ट, यदि वह 0, 1, 2, 3, 4 है तो ये पहले वाले 100 के नजदीक आएगा, तो लास्ट के दोनों डिजिट जीरो कर दो, ये फर्स्ट नियम है। और यदि लास्ट के टू डिजिट, यदि लास्ट का सेकेंड लास्ट, लास्ट के पास वाला सेकेंड लास्ट डिजिट यदि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है, लास्ट के दोनों डिजिट जीरो करना है, लेकिन थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट डिजिट को 1 बढ़ा दो, ठीक है। देखो अब देखते हैं हम यहां पे, यहां सेकेंड लास्ट डिजिट 4 है, 4 किस में आता है, ये रहा 4, तो लास्ट के दोनों डिजिट जीरो कर देने हैं, ये 4 और 1 को जीरो कर दो, 800 हो गया। यहां ये सेकेंड लास्ट डिजिट 3 है, 3 इसमें आता है, तो लास्ट के दोनों डिजिट इन दोनों को जीरो कर दो, जीरो कर दिया, ठीक है। इसको देखते हैं, सेकेंड लास्ट डिजिट 3 है, 3 ऊपर आता है, तो लास्ट के इन दोनों डिजिट को जीरो कर दो। चलिए थोड़ा नीचे और देखते हैं अलग टाइप से, ये लास्ट का सेकेंड लास्ट डिजिट 8 है, सेकेंड लास्ट डिजिट 8, 8 किसमें आता है, इसमें आता है, तो लास्ट के दोनों डिजिट इन दोनों को जीरो करना है, जीरो कर दिया, ठीक है। और क्या करना है, थर्ड लास्ट डिजिट, थर्ड लास्ट डिजिट को 1 बढ़ाना था, ठीक है, 3 करना चाहिए था, ये होना चाहिए था 300, नहीं है तो ये करेक्ट नहीं है, इट इज आपको देखना है करेक्ट और नॉट, तो ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, यहां पे 5 है, 5 है सेकेंड लास्ट डिजिट, जिस नीचे आता है तो दोनों डिजिट को जीरो कर दो, जीरो कर दिया, उसके पहले वाले डिजिट को 7 को 8 कर दो, 1 बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया, ये सही है, ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट नहीं था, ठीक है। इस वाले को देखते हैं, यहां 7 आता है, सेकेंड लास्ट डिजिट नीचे वाले में आता है, दोनों डिजिट को जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, इस वाले को एक बढ़ाना था, 9 करना था, ये होना चाहिए था 9900, जो नहीं है इसलिए इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, जान गई बात। तो जो हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना हो तो हमें सेकेंड लास्ट डिजिट को देखना है, और जब टेंस में राउंड ऑफ करना है तो लास्ट डिजिट को देखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब नियरेस्ट थाउजेंड्स में यदि राउंड ऑफ करना हो तो नियरेस्ट थाउजेंड में हमने देखा था, जब टेंस में करना था तो लास्ट डिजिट को देखा था, हंड्रेड्स में करना था तो सेकेंड लास्ट डिजिट को देखा था, अब थाउजेंड्स में करना था थर्ड लास्ट डिजिट को देखेंगे, तो थर्ड लास्ट डिजिट यदि
थर्ड लास्ट डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 है, तो लास्ट के तीनों डिजिट 0, 0, 0 हो जाएंगे। ठीक है, और यदि लास्ट के थर्ड लास्ट डिजिट ओनली थर्ड लास्ट डिजिट यदि आपका क्या है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो लास्ट के तीनों, तो ये वाला तो रहेगा, ये तो नियम रहेगा। एक और प्लस हो जाएगा नियम, सेकंड नियम क्या आ जाएगा, फर्स्ट तो रहेगा, सेकंड क्या आ जाएगा, जो फोर्थ लास्ट है आपका, फोर्थ लास्ट डिजिट को एक बढ़ा दो, ठीक है, तो फोर्थ लास्ट डिजिट को एक बढ़ना है इसमें। अब थोड़ा सा देख लेते हैं और अच्छे से इसको एग्जांपल्स लेके 501 कोई भी सीधे हम 1 और 0 और 1000 के बीच में देखें तो 0 से लेकर 499 तक तो 0 के नजदीक आएगा, और 501 से लेकर 999 तक 1000 के नजदीक आएगा। एग्जांपल्स लेते हैं, ये करेक्ट है या नहीं देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। इसमें थर्ड लास्ट डिजिट देखना, थर्ड लास्ट लास्ट सेकंड लास्ट, ये लास्ट है सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट, 5 किस में आ रहा है, नीचे वाले में आ रहा है 5, तो क्या करना है, तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे, 0 हो गए, और इस वाले को बढ़ा देना, बढ़ा दिया, ये करेक्ट है। इसमें देखते हैं थर्ड लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट के तीनों 0 हो गए, 0 हो गए, ये है, इसको बढ़ाना चाहिए था, बढ़ा के क्या होना चाहिए था 5, 4, 0, 0, 0 जो कि नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। यहां देखते हैं थर्ड लास्ट डिजिट 4 है, 4 ऊपर वाले में आता है, लास्ट के तीनों डिजिट 0 कर देना है, ये 0 हो जाएंगे, 0 हो गए, वैसे के वैसे रखना, इसलिए राइट है। थर्ड लास्ट डिजिट 4 है, 4 का मतलब लास्ट के तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे, 0 हो गए, 5, 5 रहेगा, ये भी करेक्ट है। यहां थर्ड लास्ट डिजिट 8 है, इसका मतलब तीनों तो 0 हो जाएंगे, और उसके पहले वाला बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो ये हो जाता है 8000, तो नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। थर्ड लास्ट डिजिट 4 है, तो लास्ट के तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे, और वैसा का वैसा रहता, ये होता 3000, ऊपर वाले में आता ना, लेकिन 4000 इसलिए इनकरेक्ट है। ध्यान में बात सकते हैं, ठीक है। यहां पे इन्होंने कहा है गिवन नंबर्स एप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट काउंट ऑफ करना है, टेंस में करेंगे हम इसको, टेंस में, तो हमें लास्ट डिजिट देखना है 7 है, 7 है तो 7 को 7 होने का क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, उसके पहले वाला एक बढ़ जाएगा, मतलब ये 75,847 है, तो 75,850 के ज्यादा नजदीक हुआ ना, तो 75,850 राइट, 100 करना है, सेकंड लास्ट डिजिट को देखना है 4 है, तो लास्ट का डिजिट 0 हो जाएगा, उसको चेंज नहीं होगा, 75,800 थाउजेंड्स में देखना है, तो थर्ड को देखना है, थर्ड को देखेंगे 8 है, तो लास्ट के तीनों डिजिट तो 0 हो जाएंगे, और इसके पहले वाला डिजिट 5 है वो एक बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। 10,000 में करना है, तो अब हमें इसके अगला फोर्थ लास्ट डिजिट देखना, 5 है, 5 है तो लास्ट के 4 डिजिट तो 0 हो जाएंगे, और 7 एक बढ़ जाएगा, 7 का हो जाएगा 8, क्योंकि 5 है ना, इस तरह से, तो राउंड ऑफ करना आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का यूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो दो तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट, तो इनको कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा मेथड हम चेक देख लेते हैं। मीरा बॉट 6 नोटबुक्स, पहले हम आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम द मार्केट एंड द कॉस्ट टू आज ₹10 पर नोटबुक। हर सिस्टर सीमा आल्सो बॉट 7 नोटबुक्स ऑफ द सेम टाइप, फाइंड द टोटल मनी पेड। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना, 7 से 10 से मल्टीप्लाई करना,
उनको ऐड कर देना लाइक दिस 60 130 आंसर आया 130। ऐसा तो किया स्कीमा ने, मीरा ने कैसे किया, पहले किया। अब देखो दोनों ने, इसने 6 नोटबुक खरीदी थी 10 रुपए पर नोटबुक, इसने 7 खरीदी थी 10 रुपए पर नोटबुक। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसने पहले उसकी, इसने मीरा ने कितने रुपए दिए वो निकाले, 60 रुपए मीरा ने खर्च की। फिर सीमा ने कितने रुपए खर्च किए वो निकाले इसने, 70 रुपए सीमा ने खर्च की। फिर दोनों को जोड़ दिया, इस तरह से आंसर आया। मीरा क्या कर रही है, मीरा कर रही है, मीरा ने क्या किया, कुल कितनी किताबें ली पहले भाई, उसने मीरा ने 6 ली थी और सीमा ने 7 ली थी, पहले उन किताबों को जोड़ा, कुल कितनी किताबें ली, तो कुल कितनी किताबें ली, 13 किताबें ली। फिर 13 किताबों को 10 रुपए से गुणा किया, 20 रुपए निकाला, आंसर मिल गया। पहले अलग अलग की कीमत निकालो, अलग अलग की कीमत निकालो और जोड़ दो तो भी आंसर हो जाएगा, या पहले कुल किताबें निकालकर फिर उसकी कीमत निकालो, कुल किताबों की कितनी हुई और वो लिख दो, तो दोनों आंसर सेम आएंगे, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप दोनों ही तरीकों से कर सकते थे। तो इससे इससे ये हुआ कि 6 × 10 + 7 × 10, तो यहां 10 को बाहर लिखते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं 6 + 7, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर आंसर, ठीक है। ये कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं आपको, राइट द एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। 4 × 4 बाय द सम ऑफ 9 and 2, 9 और 2 का सम, 9 और 2 का सम, और उसे मल्टीप्लाई करना है 4 से, ये ब्रैकेट होगा। डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 and 6 बाय 4, 18 और 6 का डिवाइड करो पहले, और फिर उसे 4 से पहले उनको आपका जो डिफरेंस निकालो पहले, तो 18 और 6 का, फिर उसे 4 से डिवाइड करो बाय 4। सी है 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2, ध्यान देना 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द, 3 गुना 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2, 3 and 2 का सम। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, 45 डिवाइडेड, 45 का भाग देना है 3 और 2 के जोड़ के 3 गुने में, तो 3 और 2 के जोड़ के 3 गुना करके फिर 45 को डिवाइड करना है, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाय 45 को भाग देना है, 45 में भाग देना है 3 और 2 के जोड़ के योग के 3 गुने से, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट 3 डिफरेंट सिचुएशंस फॉर दिस। इसके लिए 3 डिफरेंट सिचुएशंस है, जैसे ये एक सिचुएशन दे रखी है इन्होंने। वन सच सिचुएशन इज सोहनी एंड रीता वर्क 6 डेज, सोहनी वर्क 5 आवर्स ए डे एंड रीता 8 आवर्स ए डे, हाउ मेनी आवर्स डू बोथ ऑफ देम वर्क इन ए वीक। दोनों काम करती हैं, 6 दिन तक काम करती है, एक दिन 5 घंटे करती है, एक 6 घंटे करती है, तो कुल कितने घंटे दिया, 5 और 6 को जोड़ा, 5 और 8 को जोड़ा और 6 से गुणा कर दिया। इसको हम और दो सिचुएशन लिख सकते हैं, सिचुएशन तो ये भी लिख सकते हैं हम कि राम ने 5 आम खरीदे, शाम ने 8 आम खरीदे और प्रत्येक आम की कीमत 6 रुपए थी, तो कुल कितने रुपए देने पड़े, तो भी इसको ले सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन ने 5 टॉफी खाई, सोहन ने 8 टॉफी खाई, ठीक है, और प्रत्येक टॉफी कितने रुपए की थी, 6 रुपए की थी, तो कुल कितने रुपए उन्हें पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, काम के आधार पर भी देख सकते हैं, कीमत के आधार पर देख सकते हैं, इस प्रकार से सिचुएशन निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन, राइट 5 सिचुएशंस फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी। इनकी आपको सिचुएशन 5 सिचुएशंस लिखनी है जब ये इस प्रकार से आएंगे।
सेवन प्लस टू और टेन माइनस थ्री। तो ये कैसे एक सिचुएशन बनेगी और कैसे इनको मल्टीप्लाई करना होगा, क्या होगा, किस तरह के इक्वेशन बनेंगे, ये आपको बनाने हैं। मैं इसको करता हूं, इसको इस वाले को कर देता हूं। पहले राम ने आठ आम खरीदे, ठीक है, प्रत्येक आम की कीमत सात रुपए थी, उसने तीन आम वापस कर दिए, बताओ राम कितने रुपए देगा। तो आठ आम खरीदे थे, तीन वापस कर दिए, तो आठ तीन घटाए, जो बचे उसको सात से मल्टीप्लाई किया। इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक। मान लीजिए ऐसा भी होगा कि मोहन ने सात पेंसिल खरीदी, सोहन ने दो पेंसिल खरीदी, मोहन लेकिन और हर प्रत्येक पेंसिल की कीमत थी दस रुपए, लेकिन वो उस वक्त तीन रुपए का डिस्काउंट दे रहा था, तो बताओ कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो दस रुपए की कीमत है, तीन रुपए का डिस्काउंट दे रहा था, ये तो आ गई कीमत। मोहन ने खरीदी सात पेंसिल, सोहन ने खरीदी दो पेंसिल, तो आ गई कुल पेंसिल की संख्या। तो इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई, एक सिचुएशन हुई, ऐसी सिचुएशन आपको ढूंढनी है, बनानी है। एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कैसे करना, कैसे इसको करना है। नाउ अब इनको हल करना भी हमें सीखना है। फर्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, सेवन इंटू 109। देखो 109 को आप सेवन से मल्टीप्लाई करें, सेवन नाइन जा 63, सिक्स सेवन जीरो जीरो सिक्स सेवन वन जो सेवन, राइट। एक तो ये करेंगे आप, एक आप और तरीका कर सकते हैं इसका, सेवन इंटू 109, सेवन इंटू इसको दो टुकड़ों में कर लिया, हंड्रेड प्लस नाइन, सेवन इंटू 100 प्लस सेवन इंटू नाइन, ये हो गया 700 प्लस ये हो गया 63, 763। ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इसलिए लगा आपको ये इजी लगा, ये टफ लगा कि सेवन से था, ये बड़े बड़े नंबर से होता जैसे ये वाला, तो कैसे होगा वही, इसको बहुत इजीली आप करें, सेवन मतलब सेवन इसको 700 हो जाएगा, 1700, और सेवन को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 को नाइन से 153। इसको इसमें ऐड कर दीजिए 53, वन आ जाएगा 81, ठीक है। तो ऐसे करके हम इन क्वेश्चन कर सकते हैं, इस वाले को देखते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हो 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3, ठीक है, 100 से 100 से मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस 3, प्लस 200 से 2 से मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस 3। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 40 प्लस 300, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को 200 प्लस 2 3 6, इनको जोड़ लीजिए 10,506, 10,506 इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे करके ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना, ब्रैकेट्स को खोलना, एक्सपेंड करना, ब्रैकेट्स को खोलना और फिर उन्हें सॉल्व करना, ज्यादा इजी रहता है, बट इस करके हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करें। रोमन न्यूमेरल्स, बच्चों आप लोगों ने घड़ी देखी है, वॉल क्लॉक लगी रहती है, तो पुराने जमाने की वॉल क्लॉक्स और अभी भी कई वॉल क्लॉक्स आती हैं ऐसी जिनमें इस प्रकार से नंबर लिखे रहते हैं, ये वन है, दो तीन ऐसे नंबर होते हैं ना, चार, ये तो इन्हें इन इस तरह के न्यूमेरिकल जो नंबर लिखे रहते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स को पहचानना और रोमन नंबर से हमारे हिंदी नंबर्स में कन्वर्ट करना, हमारे हिंदी न्यूमेरिकल नंबर को रोमन में कन्वर्ट करना, ये जो हमारे नंबर्स हैं ये कहलाते हैं हिंदू न्यूमेरिकल्स। ये जो नंबर सिस्टम है फिर पुनः वापस वन आ जाता है और फिर वन रहता है और उसके आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और फिर टू आ जाता है,
फिर टू रहता है, फिर थ्री रहता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो थर्टी। तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल सिस्टम दिया, ये था हिंदू न्यूमेरिकल। इसके पहले जो रोमन्स थे, रोमन में ही न्यूमेरिकल था, वन टू के दुरंडे लगाते थे, थ्री के लिए तीन लगाते थे, फोर के लिए, अब उनको फोर के लिए चार अंडे लगाने पड़ेंगे, फाइव के लिए पांच अंडे लगाने पड़ेंगे, तो उन्होंने फाइव को एक बंच बना दिया, वी लिख दिया, और वी में से एक बढ़ाया तो ये हो गया सिक्स, फिर सेवन, फिर एट और फिर नाइन, फिर टेन के लिए उन्होंने एक्स बनाया, राइट। अब ध्यान दिया इसमें एक्स में यदि एक बढ़ाते हैं तो उधर लिखते हैं ये हो गया इलेवन, और एक कम करते हैं तो हो गया नाइन, तो यहां नाइन की जगह उन्होंने ये लिख दिया, इसमें कम से कम करने पड़े, फाइव से पहले इसके लिए उन्होंने एक कम कर दिया, फोर कर दिया, राइट। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल उन्होंने करे, तो उन न्यूमेरिकल को कैसे लिखते हैं, क्या उनका सिस्टम है, इसको हम पूरे तरीके से समझते हैं। यहां देखिए ए सिंपल इज रिपीटेड, यहां इनको दो, इसको 20, इसको 30, ऐसे करके उन्होंने बनाया। हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से जानते हैं, चलिए पहले हम इसकी भी देख लेते हैं, कुछ बातें आपको जाननी है, वहां नीचे लिखा है, नीचे भी नहीं है, चलो ये है वन, ये आपको याद रखना है, ये आपको लिख लेने हैं, ये है फाइव, ये है टेन, ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद रखना है, इन सिंबल्स का ही उपयोग होता है सब सारे तरह के न्यूमेरल्स। फिर आपके पास आता है एल, ये फिफ्टी, फिर आता है आपका सी हंड्रेड, फिर आता है आपका डी सेवन एट नाइन टेन। अब देखो वन टू थ्री फोर, अब फोर लिखना है तो ये वी लगाएगा, है ना, तो वी में एक कम कर देंगे, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब देखो टेन तो ये हो गया, टेन में एक कम करेंगे तो नाइन। अब यहां ध्यान दो, एट के लिए ऐसा क्यों नहीं लिखा हमने, ऐसा क्यों नहीं लिखा एट के लिए, दो कम कर दी, वो ये जो नंबर्स हैं इनमें जब कम करेंगे या एल में से कम करेंगे या सी में से कम करेंगे, में से कुछ कम करेंगे तो एक बार ही जाना है, एक से अधिक बार कम करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अभी हम पूरी की पूरी हंड्रेड तक के नंबर्स देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे इस बात को, एक बात हो। दूसरी बात, ये जो बी रूल है, A symbol is not repeated more than three times, but the symbols V, L or D are never repeated. अब ध्यान दो, किसी भी एक इनमें से किसी भी एक को three times से ज्यादा repeat नहीं करना, क्या three times repeat हुआ इसे four times ऐसे 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 करके नहीं लिखना, ये गलत है, three times repeat कर सकते हैं आप, three times, right? तो three times repeat कर सकते हैं, यहां हमने थ्री टाइम, अब फोर टाइम रिपीट करना ही नहीं है तो फिर इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो पहला नियम मानना है किसी भी नंबर को थ्री टाइम रिपीट, थ्री से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं करना। दूसरी बात, वी एल और डी को रिपीट ही नहीं करना, ये वन टाइम ही आएंगे, वी को रिपीट ही नहीं करना, आपको टेन लिखना है तो आप वी वी ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, टेन लिखना है तो आपको एक्स ही लिखना पड़ेगा, राइट। If a symbol of smaller value is written to the right of the symbol of greater value, its value gets added to the value of the greater symbol. इस प्रकार से आगे बढ़ाना है तो ऐसे लिखना है, 6 को 12 को, और ये देखो ये है 65, 65 को लिखना है, 65 में क्या क्या है, 50 है, 10 है और 5 है, तो हो गया 50, 10, 50, 50 को L, L है ना, 50, L,
वी 65 को लिखना 50 प्लस 10 प्लस 5 50 को लिखना एल 10 को एक्स और वी 265 होगा ठीक है। आगे और अच्छे से देखेंगे ये कम है वन डिजिट ओनली इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल 4 लिखना 4 तो आई बी एक से कम कर दो 5 से कम कर दो 5 में से एक गया तो 4 ये है ये 10 है 10 में से 1 गया माइनस किया तो 9 ऐसे ये 50 है 50 में से 10 माइनस करना है 10 गया ना 40 एक्स 100 100 में से 10 माइनस किया तो 90 राइट ये नंबर है जो V, L और D ये कभी भी लेफ्ट में लिखे नहीं जाते कभी भी नहीं लिखे जाते जैसे आपको मान लो 50 लिखना है तो आप सोचो या आपको मान लो मान लीजिए तो ये आप ऐसे नहीं लिख सकते ये 50 नहीं हो सकता क्योंकि पूरे से लिखने से काम चल जाएगा 150 लिखना है 150 तो आप सोचोगे 200 हो गए और 50 कम कर 200 और 50 कम कर दिया ये लिख देंगे तो ये गलत है नहीं लिख सकते 150 लिखना है तो आपको ऐसे ही लिखना होगा राइट तो ये ध्यान देना ये कभी भी बाई तरफ नहीं आते वी एल और डी ठीक चलिए आगे हम चलते हैं हाँ तो मैंने आपको बताया था कुछ सिंबल आई वी एक्स एल सी डी इसको 1 इसको 5 इसको 10 इसको 50 इसको 100 और इसको 500 मैंने आपको 1000 बता दिया था गलत था 500 राइट चलिए आगे बढ़ते हैं ये आपके 1 से 100 तक की लाइन है इसको फिल करना है कुछ फिल किए हुए हैं 1 को जैसे आई लिखेंगे इसको डबल आई 3 को ये 4 को क्या लिखेंगे 5 को तो आप लिख देंगे ये ठीक है 4 को क्या लिखेंगे तो 4 को लिखने के लिए आई लिखा है ठीक है तो ऐसे आप इसको 6 को ऐसे लिखेंगे 7 को 8 को 9 को 10 को ये मैंने बना रखी टेबल आपका होमवर्क यही है कि इस टेबल को फिल करें और फिल करने के बाद में मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए या आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पर तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं थैंक यू बाय